हेलो दोस्तों, मैं हूँ फ्री फ्लाइंग ईगल नीतू चोपड़ा आपके साथ। और आपको जैसा कि पता है कि उदयपुर से बालोतरा तक 300 किलोमीटर की ऑलमोस्ट मैं राइड जो है एक्टिवा पे अकेले कर चुकी हूँ। और आई एम श्योर कि आप मेरा अनुभव ज़रूर जानना चाहेंगे कि मेरी राइड कैसी रही, किस तरीके की परेशानी आई। अगर आप भी नेक्स्ट टाइम राइड के लिए निकले तो किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। आप देख रहे हैं कि ये गाड़ी जो आपको एकदम नई जैसी दिख रही है, एक्चुअली आई बॉट इन 2013, तो ये करीब 6 साल पुरानी गाड़ी है, आपको बिल्कुल नई जैसी दिख रही है। एंड 300 किलोमीटर की राइड मैं करने जा रही हूँ उदयपुर से बालोतरा के लिए। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इस गाड़ी को किस तरीके से कस्टमाइज़ किया है, किस तरीके से इसको मैंने स्मार्ट गाड़ी में कन्वर्ट किया है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो मिरर के पास में जो लगा हुआ है हार्ड कोर स्टैंड, जिससे मोबाइल आपका सेफली आप यूज़ कर सकते हैं, और जो पूरे रास्ते आपको जो राइड करते करते रास्तों की ज़रूरत पड़ती है तो आप अपना GPS आपका मैप इसके थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा स्पीकर स्टैंड। जी हाँ, इसमें स्पीकर पूरी तरह से सुरक्षित है, तो अब आप बोर भी नहीं होंगे। राइड करते करते आप अपने पसंदीदा गानों का एंजॉय कर सकते हैं, आप जो है पूरे तरीके से सेफली इस स्पीकर को ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही आपको दिख रहा होगा उसमें सॉकेट लगा हुआ है, दिस इज चार्जिंग पॉइंट। कार के अंदर जनरली ये पाया जाता है, लेकिन इसको भी मैंने कस्टमाइज़ करके यहाँ पे फिक्स किया है। इसका पर्पज़ जो है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो एयर पंप के लिए इस तरीके के सॉकेट की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही आपका फ़ोन हो, कोई भी स्मार्ट गैजेट है, आप उसको पूरी तरीके से इसमें चार्ज कर सकते हैं। तो ये है स्मार्ट सॉकेट, आपने देखा कि स्पीकर, स्मार्ट सॉकेट, GPS, पूरे तरीके से गाड़ी जो है राइड के लिए एकदम रेडी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ ज़रूरी सामानों के बारे में कि आप जब ट्रैवल करते हैं तो आपको क्या क्या ज़रूरी सामानों की ज़रूरत पड़ सकती है। एक पेट्रोल की बोतल है, क्योंकि कई बार रास्तों में ऐसा होता है कि आपको पेट्रोल पंप बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगे, तो इमरजेंसी आप पेट्रोल की बोतल कैरी करना ना भूलें। ये पॉकेट पंचर किट है, जिसे अगर बीच में कहीं छोटा मोटा पंचर हो जाए तो आप इस तरीके से पंचर किट को यूज़ करके आपका पंचर स्वयं ही बना सकते हैं, किसी मैकेनिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये है पॉकेट पंचर किट। अब सवाल ये है कि इसमें जो हवा भरनी है, वो हवा का जो पंप है वो कैसे कैरी किया जा सकता है। ओके, मैं आपको बताती हूँ कि पंचर किट के साथ में आप एयर पंप का यूज़ जो है किस तरीके से करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये जनरली कार में यूज़ होता है। अब इसको हम स्कूटी पे यूज़ कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं इसमें बहुत लंबी वायर है, मतलब आप इसमें करीब 20 फीट लंबी वायर है। इसको जो है हम यहाँ पे अटैच करेंगे कार सॉकेट प्लग में। ये अब कार सॉकेट प्लग में अटैच हो चुका है, इसको आप वायर को कितना भी लंबा कर सकते हैं। अब आपको नोब निकालनी है जहाँ पे आप पंचर हवा आपको जहाँ भरना है। जनरली ये इसका जो पाइप है इसको यहाँ पे अटैच कर देना है।
इस तरीके से आप इसको यहाँ पे टाइट कर देंगे। अब स्कूटी की जो चाबी है वो ऑन होनी चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है और एक्टिवा का जो प्रेशर होता है वो 30 होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो है 30 तक पहुँच गया है। इसी तरीके से आप इसको वापस अनलॉक कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी कि दिस इज़ वेरी ईजी टू यूज़। किस तरीके से आप जो है छोटे छोटे इक्विपमेंट से अपनी राइड को स्मार्ट बना सकते हैं। मैं करीब सुबह 7 बजे उदयपुर से निकली थी नाथद्वारा के लिए। तो उदयपुर से जो है पाली तक का जो हाईवे था वो बहुत ही अच्छा हाईवे था, 4 लेन हाईवे था और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा जर्नी का, क्योंकि साथ में अपना म्यूज़िक था, अपना स्पीकर था। तो यू नो म्यूज़िक इज़ ऑलवेज गुड फॉर द लॉन्ग जर्नी। सो नाथद्वारा से राजसमंद होते हुए मुझे कहीं कोई परेशानी नहीं आई। आगे जा कर के जब आपका राजसमंद से पाली का जो रास्ता था वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, क्योंकि वहाँ पे जो है खड्डे थे, रोड जो है वो रिपेयर का काम चल रहा था और करीब 15 से 20 किलोमीटर का रास्ता तो ऐसा निकला था, लाइक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी जो है ख़तरनाक राइड के लिए यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा खड्डे थे। एंड यू वोंट बिलीव कि गाड़ी कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी, क्योंकि वो जो ढलान वाला जो एरिया था, अगर आप गाड़ी को ऑफ करके भी चला रहे हो तो भी वो गाड़ी कंट्रोल में नहीं हो रही है। तो ऐसा करीब 15 से 20 किलोमीटर का रास्ता ऐसा था, उसको पार करने में मुझे शायद 1 या 1.5 घंटे का टाइम लग गया था। एंड रास्ते में मैंने बहुत अच्छा सीनिक व्यू एंजॉय किया, बहुत सारे ऊंट, राजस्थान जहाँ कहीं भी कुछ भी दिख जाए, और जो है काफ़ी अच्छा व्यू माउंटेंस। एंड उदयपुर से जब आप निकलते हो तो पूरा इट्स अरावली माउंटेंस आर देयर। सो उसके बाद का जो रास्ता था, ब्यूटीफुल ट्रीज आर देयर, ग्रीनरी एंड यू नो लॉन्ग रोड्स, एंड मुझे लग ही नहीं रहा था कि एक्चुअली मैं राजस्थान में राइड कर रही हूँ। सो इट्स काफ़ी एडवेंचरस। एंड जोधपुर में काफ़ी आराम से पहुंच चुकी थी। इन बिटवीन एक मारवाड़ जंक्शन के पास में एक गांव था गुड़ा मोकम सिंह। अनफॉर्चुनेटली मेरी जो है बाइक वहां पे पंचर हो चुकी थी एंड मैंने मुश्किल से एक चाय की दुकान देखी और चाय की दुकान देख करके मैंने अपनी गाड़ी को वहां पे लगाया। एंड यू नो जैसे कि हमने पहले भी दिखाया है कि मैं पूरा स्मार्ट किट, स्मार्ट यूज़र की तरह सारा सामान रख करके चली थी। सो चाय की दुकान पर मैंने कुछ गाँव वालों की हेल्प से जो है थोड़ा सा स्कूटी को लगा करके और मैंने उसका पंचर खुद से ही बनाया। हवा का पाइप जो था, इलेक्ट्रिक पंप, उसको यूज़ करके हमने जो है पूरा पंचर निकाला उसका। एंड वहीं बैठे बैठे जो है चाय पीते पीते हमारी बात हुई। वहाँ पे जो है वहाँ के जो सरपंच है बीना जी, उनके हस्बैंड वहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे पूछा एंड मैंने उनको बताया कि मैं जो है न्यारा की संस्थापक नीतू चोपड़ा हूँ और मैं जो है लड़कियों घर से बाहर निकलो अभियान के तहत जो है उदयपुर से बालोतरा की लंबी राइड 300 किलोमीटर की लगभग अकेले करने वाली हूँ। तो वो बहुत ही प्रभावित हुए। गाँव वाले जो है मतलब इतना अपनापन उन लोगों ने मुझे दिया कि इतने लोगों ने मिलकर के वहाँ पे मेरा बहुमान किया एंड इतने कम समय में उन्होंने शॉल माला जो भी उनसे बन सकता था एंड बहुत ही अच्छी चाच भी पिलाई। सो इट वाज रियली वंडरफुल जर्नी कि आप मतलब कितना अच्छा है ना, मतलब आप छोटे छोटे गांवों में राइड करते चलिए, गांवों के बारे में जानते चलिए, गांवों के लोगों से मिलते चलिए, तो आपको असलियत में पता चलेगा कि हमारा भारत आज कहाँ है, भारत की क्या स्थिति है। क्योंकि अभी भी जो है भारत गांवों का देश है, 70% लगभग जनसंख्या जो है अभी भी गांवों में रह रही है। सो इस तरीके से जो है पंचर का जो एक बीच में प्रॉब्लम आया था वो हमने सॉल्व किया। उसके आगे मज़ेदार बात, जो मज़ेदार सबसे पड़ाव था वो था, जोधपुर करीब मैं पहुंची थी 7:30 बजे के आसपास और जोधपुर से बालोतरा, आई थॉट आई वॉज इन यू नो ड्रीम्स की जोधपुर से बालोतरा का हाईवे है वो काफ़ी अच्छा होगा।
नो डाउट हाईवे बहुत अच्छा था, बट धवा के आगे के जो गांव आते हैं, धवा है, सीनली है, जटियावासनी है, इधर जो है वो रोड लाइट्स बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्ली मी मतलब मैं लिटरली अंधी हो चुकी थी। एंड गाड़ी की आपकी छोटी सी लाइट है और सामने से अगर कोई ट्रक आ रहा है तो आप कैसे मैनेज करेंगे। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन जो मैंने एक्सप्लोर किया एज ए राइडर, आप अपनी साइड में चलते रहिए एंड आपकी जो स्पीड लिमिट है वो आप बिल्कुल कम रखिए। अगर गाड़ी कंट्रोल में होगी, क्योंकि बम्पर्स भी काफ़ी बड़े बड़े थे बीच में, तो आपकी जब गाड़ी कंट्रोल में रहती है तो आप एक बार से बम्पर से जंप भी कर जाएंगे, तो नेक्स्ट एट द मोमेंट आप जंपर क्रॉस करते हैं उस टाइम पर आपकी गाड़ी कंट्रोल रहेगी। अगर इसी की जगह आप जो है राइडिंग स्पीड आपकी फास्ट है और गाड़ी आपकी अनकंट्रोल तरीके से चल रही है, तो गाड़ी का बैलेंस भी बिगड़ सकता है और आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस तरीके से मैंने इन छोटी छोटी बातों को फॉलो करके, इन जो है एक्सप्लोर करके, मैं जो है बालोतरा तक पहुंची हूँ। करीब रात को 10:15 बजे मैं बालोतरा टच कर गई थी एंड बीच में बिल्कुल अंधेरा था, मतलब एक छोटी सी जो बोलते हैं आशा की किरण, वो स्कूटी की जितनी लाइट थी उतनी कैपेसिटी से हमने पूरे रास्ते राइड किया है। बट बिलीव मी गाइज, इट वॉज अमेजिंग एंड एडवेंचरस जर्नी, काफ़ी मज़ा आया मुझे। एंड रियल एडवेंचर जो था वो जोधपुर से बालोतरा वाला पार्ट था, बिकॉज अकेले थी, ये भी नहीं पता चल रहा था कि सामने से जो ट्रक आ रही है वो भी नज़र नहीं आती थी, बहुत पास में आने के बाद में मतलब क्लिक करता था, कुछ हमने अजम्पशंस बना रखे थे, तो उस तरीके से डायग्नोज होता था कि अच्छा सामने से गाड़ी आ रही है, हमको किस तरीके से जाना है। सो इट वॉज रियली अमेजिंग जर्नी। एंड मैं कहना चाहूँगी, इस अभियान का जो उद्देश्य था वो ये था कि लड़कियाँ किसी तरीके से किसी से कम नहीं है, जो काम एक लड़का कर सकता है वो 100% एक लड़की भी कर सकती है। एंड ये राइड करने से मुझे एक मेरा डर कम हुआ है, अपना आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है एंड गांवों के बारे में जो जानकारी मिली है, जो लोगों से मिलकर के मुझे चीज़ें पता चली है, वो बहुत ही जानकारी देने वाली चीज़ें थी। तो इस तरीके से ये जो राइड थी वो काफ़ी रोमांचक राइड थी और काफ़ी मुझे मज़ा आया है। इस तरीके की राइड्स मैं आगे भी करती रहूँगी। सो कीप वॉचिंग मी गाइज एंड कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच। What we do here is go back.